वेलकम फ्रेंड्स, एसएससी एग्जाम प्रिपरेशन में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम नंबर सीरीज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो अक्सर एसएससी एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। हमारी कोशिश रहेगी इस तरह के क्वेश्चंस को मात्र 2 सेकंड में सॉल्व करने की। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया है निम्नलिखित प्रश्नों में लुप्त संख्या ज्ञात करें। मतलब कि जो नीचे हमारे कुछ प्रश्न दिए गए उसमें जो हमारे लुप्त संख्या यानी कि जहाँ क्वेश्चन मार्क हो या फिर कुछ नहीं हो, ब्लैंक हो, उस उनके जगह पे कौन सा शब्द होगा, कौन सा संख्या होगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है 10, 100, 200, 310। उसके बाद दिया गया एक क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं 10, 100, 200, ये सारे जो होते हैं हमारे इस चैप्टर के क्वेश्चंस में वो सारे एक सीरीज पे चलते हैं। वो सीरीज हमें फाइंड आउट अगर कर लिए तो हम इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसमें देख रहे हैं कि हमारा दे रखा है 10, 100, 200, 310। तो इनमें हम सबसे पहले डिफरेंस देख रहे हैं, तो डिफरेंस है हमारा कितने का, तो 10 एंड 100 का डिफरेंस है 90। उसी तरह से 100 एंड 200 का डिफरेंस है 100, 100 एंड 310 का डिफरेंस है 110। तो हम देख रहे हैं इन इन सारे के डिफरेंस में हमारा 10 और का डिफरेंस हो रहा है। अब देख रहे हैं पहले यहाँ पे 90 से 100 हो यानी कि प्लस 10 हो रहा है, फिर से 100 से 110 यानी प्लस 10 हो रहा है। तो अगले डिफरेंस में भी हमारा प्लस 10 होना चाहिए, तो अगला हमारा डिफरेंस कितने का होना चाहिए, तो 120 का होना चाहिए। तो नेक्स्ट अगर हमारा डिफरेंस 120 का हो, 110 है, नेक्स्ट डिफरेंस 120 का होगा, तो 310 प्लस 120 कितने होते हैं, तो 310 प्लस 120 यानी कि 430, जो कि हमें फाउंड आउट करने थे क्या आ गए, 430 यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो इस क्वेश्चन में हमने कुछ भी नहीं किया, बस हमने सारे का डिफरेंस चेक किया, उसका डिफरेंस के एक और डिफरेंस हो रहे थे, उन सारे डिफरेंस को चेक किया। इनके डिफरेंस हो रहे थे 90, 100, 110 एंड 110, एंड इनके एक और डिफरेंस हो रहे थे, तो 10, 10, 10। इसी तरह से आपके इस तरह के और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि डिफरेंस में एक डिफरेंस के डिफरेंस में भी और डिफरेंस हो सकते हैं, तो वो सारे बस हमें फाइंड आउट करने होते हैं, हम इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा 4, 3, 16, 9, 64, 27 एंड वाट। हमें वाट की वैल्यू फाइंड आउट करने, तो हम इसे कैसे करेंगे, हम देख रहे हैं 4 के बाद 3 है, 3 के बाद 16 है, फिर 9 है, फिर 64 है, तो फिर 27 है। तो इसमें क्या होगा, 4 के बाद 3 है, 3 के बाद 9 है, 9 के बाद 27 है। तो हम देख रहे हैं कि 4 एंड 16 में 4 4 16 हो रहा है, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट 16 एंड 64 में भी 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है। उसी तरह से अगर हम ऊपर वाले में देखें, यानी कि 4 के बाद जो 3 आ रहा है उसमें देखें, तो 3 3 3 9 हो रहा है, फिर 9 से 3 और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 27 हो रहा है। तो नेक्स्ट हमारा क्या होना चाहिए, तो नेक्स्ट हमारा होगा 64 में और 4, बिकॉज 27 तक तो हम पहुंच गए और एक एक गैप के साथ हमारा मल्टीप्लीकेशन चल रहा है, तो 64 के बाद क्या मल्टीप्लाई होगा, तो 4 मल्टीप्लाई होगा, तो कितना आ जाएगा, 256, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, हमने देखा कि एक एक गैप के बाद 4 का टेबल आ रहा है, या फिर हम कह सकते हैं 4 4 जा रहा है, 16 4 जा रहा है, और एक एक गैप के बाद 3 3 3 का टेबल आ रहा है उस, तो हम देखें 4 4 जा 16 16 4 जा 64, तो 64 4 जा क्या होगा, 256। ये हो रहा था 3 3 जा 9 9 3 जा 27। तो अगर हमसे इसके नेक्स्ट अगर पूछते तो हम 27 से 3 को मल्टीप्लाई करते, वो हमारा आंसर होता, बट हमारा यहीं तक पूछा था, तो हमने 64 को 204 से मल्टीप्लाई किया, तो 256 आया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, 6 8 9 12 14 एंड 18। ये हमारा क्या दे रखा है, 6 है, फिर 8 है, फिर 9 है, फिर 12 है, फिर 14 है, फिर 18 है। तो इसमें हमारा क्या हो रहा है, इसमें भी हमारा एक बैक करके डिफरेंस जा रहा है। कैसे जा रहा है, तो हम सबसे पहले देख रहे हैं 6 के बाद हमारा 2 हो रहा है, 6 प्लस 2 8 8 प्लस 1 9, फिर 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 2 14। इस तरह से हमारा ये चलते जा रहा, या फिर हम इसमें ये कह सकते हैं कि एक गैप करके अगर निकाला तो 6 प्लस 3 9 हो रहा है, 9 प्लस 5 14 हो रहा है। तो नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, तो 14 प्लस 7, बिकॉज 2 2 का डिफरेंस चल रहा है, तो नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, 14 प्लस 7, तो 14 प्लस 7 होता क्या है, 21, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आप चेक कर सकते हैं ये हमारा क्या हो रहा था, इसमें अगर हम चेक करें तो 8 प्लस 12 4
फिर 12 + 6 = 18। तो नेक्स्ट अगर हमसे इसके बाद पूछता तो 18 + 6 = 24 हो जाता, बट हमसे यहाँ पे 21 तक ही पूछता तो +3 + 5 + 7 हो गया तो 21। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, 2 / 3 = 4 / 7। तो हम सबसे पहले ये इसमें हम देखेंगे ऊपर की गैप, ऊपर के सीरीज को, फिर नीचे के सीरीज को। तो ऊपर का सीरीज है हमारा 2, 4, व्हाट है फिर 11, फिर 16। तो ये हमारा किस सीरीज में जा रहा है, तो ऊपर के अगर हम देखें तो 2 के बाद 4 है तो +2 का डिफरेंस हो रहा है। इधर हमारा डिफरेंस कितने का हो रहा है तो +5 का। बीच में हमारा +3 हमारा बच क्या रहा है, तो 2 और 5 के बीच में कितने का डिफरेंस है तो बस 3 का गैप है। तो ये हमारे कितने हो जाएगा, तो यानी कि हमारा नेक्स्ट क्या जाएगा तो +3 जाएगा इधर से, और इधर से +4 जाएगा। आप देख सकते हो +3 + 4 सेम ही आ जाएगा, सॉरी हाँ +3 + 4 सेम ही आ जाएगा। तो 2 + 2 = 4, तो 4 + 3 = 7। आप देख सकते हो 7 + 4 = 11 होता है, यानी कि फर्स्ट का हमारा ऊपर का होना चाहिए हमारा 7, ऊपर का क्या होना चाहिए तो 7, ये हमारा होना चाहिए 7। तो 7 हमारा बस एक ऑप्शन में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बट हम सेकेंड को भी चेक कर लेंगे, बिकॉज किसी क्वेश्चन में हो सकता है कि आपका हो सकता है नीचे वाले दूसरे सीरीज से फॉलो करे, या फिर हमारा हो सकता है ऊपर वाले गलत हो, या फिर किसी क्वेश्चन में 7 दो और ऑप्शंस में आ जाए तो उसमें तो हमें चेक करने पड़ेंगे। तो हम नेक्स्ट चेक करते हैं, तो 3, 7 व्हाट है फिर 21 है फिर 31 है, तो ये कैसे डिफरेंस फॉलो कर रहा है। तो 3 और 7 के बीच डिफरेंस कितने का हो रहा है तो 4 का, और इधर 21 और 31 के बीच डिफरेंस हो रहा है तो 10 का। तो यहाँ पे हमारा गैप कितने का जा रहा है तो 6 का जा रहा है। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं, ये हमारा +6 जाएगा, ये हमारा +8 जाएगा। तो 7 + 6 होता है 13, 13 + 8 = 20, यानी कि 7/13 ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, 47, 119, 167 - 359, 200, 527। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमारा क्या दे रखा है 47 है, फिर 119 है, फिर 167 है, फिर डैश है, फिर 359, फिर 527। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, ये डैश की जगह पे क्या होगा, तो ये डैश की जगह पे होगा क्या, तो 47 है। इसे हम 47 एंड 119 का डिफरेंस चेक करें तो इस तरह से हमारे डिफरेंस से तो आंसर फाइंड आउट होंगे ही नहीं। तो 47 होता क्या है, हम इसे लिख सकते हैं 7² - 2, 49 - 2 यानी कि 47। 119 को हम लिख सकते हैं 11² - 2, 167 को लिख सकते हैं 13² - 2, 359 को हम क्या लिख सकते हैं तो 19² - 2, 527 को हम लिख सकते हैं 23² - 2। तो हम देख रहे हैं ये हमारे एक सबसे पहले तो 4 का डिफरेंस हो रहा है, फिर 2 का डिफरेंस हो रहा है, तो ये हम देख रहे हैं कि ये हमारे किस चीज को फॉलो कर रहा है, तो प्राइम नंबर को फॉलो कर रहा है, अभाज्य संख्या को। सबसे पहले 7 आया, फिर 11 आया, फिर 13 आया। नेक्स्ट हमारा प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या होता क्या है तो 17, 15 तो अभाज्य संख्या होता नहीं, तो होता क्या है तो 17। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा 17² - 2, तो 17² - 2 कितना हो गया, 17² = 289 - 2 यानी कि 287 ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। तो हम देख रहे थे ये हमारा किस सीरीज को फॉलो कर रहा था, तो 7² - 2, 11² - 2, 13² - 2। तो नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा 17² - 2, बिकॉज ये एक प्राइम नंबर का रूल को फॉलो कर रहा था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, 24, 340, 2194, 6856 एंड इसके बाद हमारा डैश दिया गया। ये हमारा कैसे सॉल्व होगा, तो हम इसमें देखते हैं ये किस सीरीज को फॉलो कर रहा है, तो 24 एंड 340 का अगर हम डिफरेंस से निकालें तो ये हमारा डिफरेंस से अगर निकालेंगे तो गलत हो जाएगा, आप स्क्वायर से भी निकालोगे तो गलत हो जाएगा। तो ये हमारे किस सीरीज को फॉलो करेगा, तो 3³ - 3, 27 - 3 = 24, इसको हम कह सकते हैं 7³ - 3, उसी तरह से इसको हम कह सकते हैं 13³ - 3, इसे हम क्या कह सकते हैं तो 19³ - 3। तो ये हमारा कितने का गैप चाह रहे हैं, ये इसे हम चेक करें तो कितने का गैप चाह रहा है, तो सबसे पहले 3 और 7 में 4 का गैप है, नेक्स्ट 7 और 13 में कितने का गैप है तो 6 का, 3 और 7 में 4 का गैप था, 7 और 13 में कितने का गैप था तो 6 का, तो नेक्स्ट हमारा 13 और 19 में कितने का गैप है, तो 13 और 19 में भी हमारा 6 का गैप है, तो नेक्स्ट हमारा कितने का गैप कितने का जाएगा, सॉरी ये 19³ - 3 नहीं होगा,
नेक्स्ट हमारा कितने का गैप जा रहा है, तो 29 का क्यूब माइनस 3। नेक्स्ट हमारा क्या हो रहा है, तो 29 का क्यूब माइनस 3। सारे हमारे क्यूब माइनस 3 के फॉर्म में आ रहा है, तो नेक्स्ट हमारा 29 का क्यूब माइनस 3 में आएगा, यानी कि 24386 ऑप्शन नंबर बी। ये हमारा 21 का क्यूब माइनस 3 जाएगा, तो ये हो गया प्लस 8 का फॉलो करेगा। नेक्स्ट हमारे कितने का फॉलो करना चाहिए, 19 का क्यूब माइनस 3 हो गया, ये हमारा 13 का क्यूब माइनस 3 हो गया। नेक्स्ट हमारा आएगा 29 का क्यूब माइनस 3, यानी कि 24386 ऑप्शन नंबर बी। आप सारे को चेक कर सकते हो, और कोई भी किसी का क्यूब माइनस 3 नहीं हो रहा, बस ऑप्शन नंबर बी ही किसी का क्यूब माइनस 3 हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। टू, ये हमारा सीरीज दे रखा है 2, 12, 36, 80, 150, उसके बाद हमसे पूछ रहा है डैश दे रखा है, तो ये हमारा डैश की जगह पे क्या होगा, तो हम 2 और 12 इन सारे का अगर हम रिलेशन चेक करें, तो 2 को हम 1+1 लिख सकते हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर, बिकॉज नेक्स्ट हमारे इसी रूल को फॉलो करेगा। 12 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 8+4 यानी 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर। 36 को क्या लिख सकते हैं, तो 27+9 यानी कि 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर। नेक्स्ट उसी तरह से ये हमारा है 4 का क्यूब प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा 5 का क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर। तो इसी तरह से नेक्स्ट हमारा हो जाएगा 6 का क्यूब प्लस 6 का स्क्वायर, यानी कि 252 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर एट हमारा दे रखा है 6-62, 123, 214, 314, 1। तो ये हमारे किस सीरीज को फॉलो कर रहा है, तो हम इसे भी चेक कर सकते हैं। 6 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 का क्यूब माइनस 2 लिख सकते हैं, बिकॉज सारे हमारे इसी सीरीज से फॉलो होंगे। 62 को हम लिख सकते हैं 4 का क्यूब माइनस 2, 123 को लिख सकते हैं 5 का क्यूब माइनस 2, 214 को, 6 का क्यूब माइनस 2, 341 को, 7 का क्यूब माइनस 2। तो उसी तरह से हम इसे क्या लिख सकते हैं, तो उसी तरह से हम इसे लिख सकते हैं 2 का क्यूब माइनस 2, 4 का क्यूब माइनस 2, 5 का क्यूब माइनस 2, 6 का क्यूब माइनस 2, 7 का क्यूब माइनस 2, बीच में हमारा बच क्या रहा है, तो 3 का क्यूब माइनस 2, यानी कि 27-2, 25 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, 350। ये हमारा क्या दे रखा है, 350, 222, 130, 68, 31। इसे हम कैसे फॉलो करेंगे, ये हमारा किस सीरीज को फॉलो कर रहा है, तो 350 जो है उसे हम क्या लिख सकते हैं, तो उसे हम लिख सकते हैं 7 का क्यूब प्लस 7, इसे हम लिख सकते हैं 6 का क्यूब प्लस 6, इसे हम लिख सकते हैं 5 का क्यूब प्लस 5, इसे हम लिख सकते हैं 4 का क्यूब प्लस 4, इसे हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब प्लस 3। ये हमारा एक का घटते जा रहा था। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब प्लस 2, यानी कि 10 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है 0, 7, 26, 124 and 215। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो 0 को हम लिख क्या सकते हैं 1 का क्यूब माइनस 1, 7 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब माइनस 1, 26 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब माइनस 1, 124 को लिख सकते हैं 5 का क्यूब माइनस 1, 215 को लिख सकते हैं 6 का क्यूब माइनस 1। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो 4 का क्यूब माइनस 1, यानी कि 4 का क्यूब होता है 64, तो 64-1 यानी कि 63 ऑप्शन नंबर सी। तो आज के लिए बस इतना ही। आपने देखा कि नंबर सीरीज के सारे क्वेश्चंस को आप कितनी इजीली, अगर आपको पता चल जाए कि इसे कैसे सॉल्व करना है, तो आप इसे कितनी इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो ऐसे ही और भी रीजनिंग के और भी चैप्टर के साथ के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम जो भी अपलोड करें उसके आपको अपडेट्स मिलते रहें। देन बाय एंड टेक केयर।